नमस्कार, मैं नियाज खान। भारत के गोल्डन बॉय, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम नीरज चोपड़ा की ही बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। दरअसल नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में एक वाकया शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ओलंपिक के फाइनल से पहले उनका भाला पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के पास था। नीरज चोपड़ा के इस बात पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ और लोग अरशद नदीम पर जानबूझकर जैवलिन से छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगे और भला बुरा भी बोलने लगे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने आगे आकर अरशद नदीम का बचाव भी किया और एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान होने और दूसरे खिलाड़ी की इज्जत करना भी सिखाया। उन्होंने अरशद नदीम को ट्रोल करने वालों को निशाने पर लिया। अब आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है, लेकिन उससे पहले आप गोल्डन बॉय के उस वीडियो को देखिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो एक जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोर है उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। दरअसल एक इंटरव्यू में नीरज ने कहा था, मैं फाइनल की शुरुआत से पहले अपना भाला खोज रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम मेरे भाले के साथ घूम रहे हैं। मैंने अरशद से कहा, भाई ये मेरा भाला है, मुझे दे दो ताकि मैं थ्रो कर सकूं। वहीं विवाद होने पर नीरज ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि बिना वजह इस मामले को तूल ना दे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि थ्रो फेंकने से पहले हर कोई अपना जैवलिन वहां पर रखता है, ऐसे में कोई भी प्लेयर वहां से जैवलिन को उठा सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, ये एक नियम है जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि अरशद अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, फिर मैंने अपना जैवलिन मांगा। नीरज ने कहा कि मेरा सहारा लेकर कई लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा ना करें। खेल सभी को मिलकर चलना सिखाता है, सभी खिलाड़ी आपस में प्यार से रहते हैं, तो कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे हमको ठेस पहुंचे। नीरज चोपड़ा के इस अपील को लेकर भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हुई। नीरज चोपड़ा ने वीडियो संदेश ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना बेहद जरूरी होता है। नीरज की इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।